नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चित्रकला क्लासेज में। दोस्तों आज हम आपको राज्य ललित कला एकेडमी के द्वारा उन छात्रों के लिए जो ललित कला से BFA और MFA अधिकतम आयु 35 वर्ष हो वह इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको ललित कला एकेडमी संबंधित छात्रवृत्ति फेलोशिप के बारे में जानकारी देने वाले हैं और यह छात्रवृत्ति आपको 5,000 रुपया प्रति माह मिलती है और कितने दिनों के लिए मिलती है इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल बताने वाले हैं। आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करें, और यदि इसका फॉर्म आपको चाहिए तो आप हमें chitrakalaclasses@gmail.com पर मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको इसका PDF प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं फॉर्म, और इस फॉर्म का लास्ट डेट है 30/7/2020। ठीक है, तो फॉर्म को देख लेते हैं। राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश लाल बरादरी भवन लखनऊ के लिए यह फॉर्म है। छात्रवृत्ति के सामान्य नियम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के कलाकारों को पर्यवेक्षक के निर्देशन में ललित कला में विशेष अध्ययन हेतु दी जाने वाली छात्रवृत्ति के पुनरीक्षित नियम, ठीक है, जो आपको फेलोशिप मिलेगा तो उसका क्या क्या रूल और रेगुलेशन है उस वीडियो में हम जान लेते हैं। ठीक है, राज्य ललित कला अकेडमी उत्तर प्रदेश के संविधान के प्रस्तर 3X के अनुक्रम में दृश्य कला के क्षेत्र में युवा कलाकारों को 35 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वह यह फॉर्म आप भेज सकते हैं। ललित कला में विशेष अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए निम्नलिखित नियम बताए गए हैं। यह छात्रवृत्ति केंद्रीय ललित कला अकेदमी द्वारा वित्त पोषित किसी क्षेत्रीय कला केंद्र अथवा गढ़ी कार्यशाला नई दिल्ली में कार्य करने के इच्छुक अभ्यर्थी को प्रदान की जा सकती है। अभ्यर्थी का चयन होने के पश्चात अध्ययन के प्रस्तावित कार्यक्रम में कोई परिवर्तन की स्थिति में अभ्यर्थी को परिवर्तित प्रस्ताव अकादमी के अध्यक्ष के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इस नियमावली के प्रस्तर 3 के अनुसार छात्रवृत्ति की राशि एक संख्या अकादमी की कार्यकारिणी सक्षम समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष घटाई या बढ़ाई जा सकती है। तो इसकी जो राशि है 5,000 रुपया प्रति माह है, इसमें इसको घटाया और बढ़ाया भी जा सकता है, जिसे समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों से प्रकाशित कराया जाएगा। इसमें आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथियां भी घोषित कर दी गई है, जो कि हम बता चुके हैं आपको। इसका उद्देश्य क्या है कि पारंपरिक व आधुनिक, ठीक है, कला को प्रोत्साहन देना एवं ललित कला की प्रति विधियों में सक्रिय भूमिका। अर्हता क्या है इसके लिए, निम्नलिखित योग्यता में अभ्यर्थी दृश्य कला के विशेष अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने हेतु अर्हता है। ललित कला में कम से कम स्नातक की उपाधि प्राप्त हो। सेकंड है, छात्रवृत्ति स्वतंत्र कलाकार के अतिरिक्त स्नातकोत्तर में अध्ययनरत छात्र को भी दिए जाने पर विचार किया जा सकता है। और थर्ड है कि जो जन्म से उत्तर प्रदेश का निवासी हो अथवा उत्तर प्रदेश में कम से कम 10 वर्ष से निवास कर रहा हो। तो यह जो फेलोशिप है, यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो फॉर्म डाल सकते हैं, और यदि आप उत्तर प्रदेश में 10 वर्ष से यहां पर रह रहे हों तो भी फॉर्म डाल सकते हैं। छात्रवृत्ति की संख्या देख लेते हैं। छात्रवृत्ति की संख्या 12 तक हो सकती है, जिसमें दृश्य कला के क्षेत्र में पारंपरिक कला व लोक कला लिए 6 एवं समसामयिक कला के लिए 6 छात्रवृत्तियां दी जाएगी। ठीक है, और आवेदन जो आपको देखना है, तो आवेदन द्वारा अकादमी द्वारा प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में समाचार पत्रों में घोषणा किए जाने पर इच्छुक अभ्यर्थी छात्रवृत्ति के लिए घोषित तिथि के अंदर ललित कला अकादमी के निर्धारित फॉर्म पर आवेदन कर सकते हैं, जो राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश लाल बरादरी भवन लखनऊ से प्राप्त किया जा सकता है, या अकादमी के वेबसाइट www.fineartacademy.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा उपयुक्त
उल्लिखित प्रावधान के अनुसार विशेष अध्ययन के लिए प्रस्तावित कार्य योजना का उल्लेख अपने आवेदन में अवश्य किया जाएगा। और छात्रवृत्ति का समय है, छात्रवृत्ति दिए जाने की प्रक्रिया माह सितंबर से अगस्त तक होगी और यह टोटल जो है एक वर्ष के लिए छात्रवृत्ति दिया जाता है। ठीक है, इसका चयन कैसे होता है? कार्यकारी समिति या अध्यक्ष द्वारा नामित चयन समिति द्वारा आवेदन पत्रों पर विचार कर छात्रवृत्ति के लिए अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। ठीक है, और धनराशि अवधि का भुगतान जो है छात्रवृत्ति की राशि 5,000 रुपये जो कि हम बता चुके हैं आपको मिलेगा, यह इसको बढ़ाया और घटाया भी जा सकता है। ठीक है, और छात्रवृत्ति स्वीकृत होने के 15 दिन के अंदर प्रत्येक दशा में कार्य प्रारंभ करना होगा, अन्यथा छात्रवृत्ति निरस्त कर दी जाएगी। यदि आपका छात्रवृत्ति यानी फेलोशिप मिल जाता है तो आपको 15 दिन के अंदर में कार्य प्रारंभ कर देना है, नहीं तो छात्रवृत्ति आपका निरस्त कर दिया जाएगा। छात्रवृत्ति राशि की प्रथम मासिक किस्त का भुगतान अभ्यर्थी द्वारा 1 माह अध्ययन कार्य पूर्ण करने एवं उसके पर्यवेक्षक से अग्रसारित सूचना अकादमी को उपलब्ध कराए जाने पर की जाएगी। ठीक है, यदि आप वर्क करके 1 महीने का वर्क करके यदि आप जमा कर देंगे तो आपको छात्रवृत्ति मिलेगा। ठीक है, और थर्ड कंडीशन क्या है कि छात्रवृत्ति की 3री, 6ठी, 9वीं, 12वीं किस्त के भुगतान से पूर्व निर्धारित प्रपत्र प्रविष्टि पत्र पूर्ववर्ती त्रैमास से संबंधित प्रगति आख्या पर्यवेक्षक से अग्रसारित कराते हुए उपलब्ध करानी होगी, जिसमें पर्यवेक्षक की अभियुक्ति भी सम्मिलित होगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक त्रैमास की प्रगति आख्या के साथ उक्त अवधि में पूर्ण किए गए कार्यों के पर्यवेक्षक से प्रमाणित, ठीक है, 2 या 3 छायाप्रति उपलब्ध कराने होंगे। ठीक है, जो आप कार्य करेंगे उसका प्रतिलिपि और छाया कॉपी और जो आपका गाइड होगा उसे सिग्नेचर करा करके अटेस्ट करा प्रमाणित करा करके आपको जमा करना होगा। ठीक है, और सामान्य और नियम और शर्तें जो है देख सकते हैं आप। किसी भी समय छात्र द्वारा अध्ययन यदि जारी नहीं रखा जाता है तो अकादमी को तुरंत सूचना देनी होगी या भुगतान तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाएगा। ठीक है, तो आप ये कंडीशन पढ़ लीजिएगा। हम स्क्रीन को धीरे धीरे ऊपर कर रहे हैं तो आप इसको पॉज करके देखते जाइएगा। ठीक है, अभ्यर्थी द्वारा छात्रवृत्ति के दौरान किए गए कार्यों की प्रदर्शनी आयोजित की जानी होगी। उक्त प्रदर्शनी के लिए अकादमी द्वारा 10,000 रुपये मात्र की धनराशि प्रदान की जाएगी। प्रदर्शनी अकादमी परिसर में अथवा उत्तर प्रदेश में ही अन्यत्र आयोजित की जाएगी। ठीक है, छात्रवृत्ति की अंतिम मासिक किस्त का भुगतान इस प्रदर्शनी के आयोजन के पश्चात ही किया जाएगा। ठीक है, आप जो एग्जीबिशन करेंगे तो उत्तर प्रदेश में करेंगे या राज्य ललिता एकेडमी में करेंगे तो आपको 10,000 की भुगतान राशि मिलेगा। ठीक है, छात्रवृत्ति गृहीता के छात्रवृत्ति अवधि में 1 माह अकादमी में उपस्थित रहकर काम करना होगा। ठीक है, यदि आपको ये फेलोशिप मिल जाता है तो आप राज्य ललिता एकेडमी उत्तर प्रदेश में 1 माह तक रह करके काम कर सकते हैं। ठीक है, और उसका नियम क्या है हम रुके हुए हैं, आप पढ़ लीजिए। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर अकादमी के अध्यक्ष के अनुमोदन से किसी नियम को शिथिल अथवा संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, और हम आपको फॉर्म दिखा देते हैं, फॉर्म कैसा होगा। ये देखिए फॉर्म है, ये सभी फॉर्म है। ठीक है, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर भी करते रहें, इसी तरह हम आप लोग को डेली अपडेट लेकर के आते रहेंगे। ठीक है, और यदि आपको ये फॉर्म चाहिए तो आप हमें chitrakalaclasses@gmail.com पे मैसेज कर सकते हैं, आपको हम ये फॉर्म प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, नहीं तो आप ललित कला अकेडमी के वेबसाइट पर जा करके फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।